दाभी आईपीटीवी सच आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आपको बता दें, इस बार विश्व कप में कई नियमों में बदलाव हुए हैं, तो वहीं कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। और इस बार आईसीसी ने एक ऐसा नियम लागू किया है जिसे जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों हम सभी जानते हैं, भारतीय टीम की एक नई जर्सी लॉन्च हुई है जो नारंगी कलर का है, जिसे भारत में भगवा नाम भी दिया जाता है। दोस्तों क्या आपने सोचा है कि जब टीम इंडिया ब्लू कलर की जर्सी पहनती है तो उसे नारंगी कलर की जर्सी बनवाने की क्या जरूरत थी? तो आपको बता दें, टीम इंडिया ने नारंगी कलर की जर्सी यूं ही नहीं बनवाई है, भारतीय टीम को यह जर्सी आईसीसी के नए नियमों के कारण बनवानी पड़ी है। दरअसल आईसीसी ने विश्व कप को लेकर एक नया नियम लागू किया है, जिसके मुताबिक मेजबान टीम को छोड़कर हर टीम को मेजबान टीम के विरुद्ध यानी इंग्लैंड के खिलाफ खेलते वक्त दूसरे रंग की जर्सी पहनकर खेलना होगा। और यह नियम केवल दो मैचों के लिए किया गया है, यानी एक तो मेजबान टीम इंग्लैंड के खिलाफ यह नई जर्सी पहनकर खेलनी होगी और दूसरा कोई भी टीम के खिलाफ यह नई जर्सी पहनकर खेल सकते हैं। भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीम ने पहले नीली जर्सी चुनी थी, जबकि दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम ने हरी जर्सी चुनी थी। लेकिन अब इन टीमों को इंग्लैंड के विरुद्ध होने वाले मैच में दूसरे रंग की जर्सी पहननी होगी। वहीं भारतीय टीम भी दो मुकाबले अलग कलर की जर्सी पहनकर खेलेगी। जानकारी के मुताबिक भारतीय टीम की जर्सी का रंग नारंगी कलर का होगा, जिसे भारत में भगवा नाम भी दिया जाता है। और आपको बता दें, ये नई जर्सी भारतीय टीम इंग्लैंड और अफगानिस्तान के विरुद्ध पहनकर मैदान में उतरेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और क्रिकेट की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।